गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर कंप्यूटर ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट योर पीरियडिक टेस्ट वन इज कंप्लीटेड एंड आई होप आर यू डूइंग वेरी वेल इन द एग्जाम। एंड ड्यूरिंग एग्जाम यू ऑल लर्न अबाउट चैप्टर नंबर 1 and 2। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका जो PT1 का सिलेबस था वो चैप्टर नंबर 1 and 2 था। ओके, और इसके बाद अब हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे अपना टर्म 1 सिलेबस, क्योंकि पीरियडिक टेस्ट 1 कंप्लीट हो चुका, उसका एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया और एग्ज़ाम आई होप सब लोगों का बहुत अच्छा गया होगा, ठीक है, और मार्क्स भी आप अच्छे गेट्स करेंगे। तो अभी अब हम लोग टर्म 1 सिलेबस, सबसे पहले हमारा टॉपिक ये होगा कि हम टर्म 1 सिलेबस को जान लें कि हमारे टर्म 1 सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है। ओके, देन द फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 एडवांस्ड फीचर्स ऑफ एक्सेल, जो कि आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 3 पर। आफ्टर देन चैप्टर नंबर 4 लॉग ऑन टू एरमेट CC, देन चैप्टर नंबर 5 वर्किंग विथ लेयर्स। तो टर्म 1 का जो हमारा सिलेबस होगा ये 3 चैप्टर्स होंगे, यानी चैप्टर नंबर 3 एडवांस्ड फीचर्स ऑफ एक्सेल, चैप्टर नंबर 4 लॉग ऑन टू एरमेट CC, एंड चैप्टर नंबर 5 वर्किंग विथ लेयर्स। एंड चैप्टर नंबर 5 इज रिलेटेड फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 एनिमेट CC से ही रिलेटेड होगा। ओके, तो देन अब हम लोग आएंगे, हमारा जो टॉपिक होगा एडवांस फीचर्स ऑफ एक्सेल, यानी ये दिस चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन MS Excel, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो एक्सेल एप्लीकेशन, जैसा कि सभी आप लोग जानते हो कि MS Excel एक डेटाबेस एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस दैट मीन्स दोज डेटा विच इज फाउंड इन रो एंड कॉलम, ऐसे डेटा जो रो और कॉलम के फॉर्म में होते हैं उनको हम लोग डेटाबेस बोलते हैं। दैट मीन्स जैसे आप जब एक्सेल ओपन करते हैं तो वहां पे आपको क्या दिखता है, दिस टेबल, इस तरह का टेबल से शो होता है आपका ABCD 1 2 3। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द डेटाबेस। तो यहाँ पे बीच में अब यहाँ पे हम क्या होते हैं, सबसे जो मिनिमम यूनिट होती है वो क्या होती है, सेल होती है। उसके बाद सेल में हम लोग डेटा को क्या करते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पे सेल एड्रेस होता है, जैसे हमने इसको हाईलाइट किया तो ये क्या हो गया, A1 एड्रेस हो गया। इस सेल को हमने हाईलाइट किया तो इसका एड्रेस क्या होगा, A2। अगर हमने इस सेल को हाईलाइट किया तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, C, यानी ये दिस एंड दिस C3। तो इस तरह से हम लोग सेल एड्रेस फाइंड करते हैं। आफ्टर देन यहाँ पे जब हम इन सेल्स में डेटा को क्या करेंगे, फीड कर देंगे। अब यहाँ पे डेटा फीड करने का मतलब है, जैसे हमने यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 10 जो भी हमने फीड कर दिया, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द डेटाबेस। ओके, देन दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। अब हम लोग एडवांस्ड फीचर में क्या पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। तो एडवांस्ड फीचर में जो हमारे टॉपिक्स हैं, सबसे पहला जो टॉपिक है एडवांस फीचर में, हम लोग चार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो चार्ट क्या होता है, चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी डेटा का। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें होगा हमारा कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट इन एक्सेल, ठीक है, यानी जो चार्ट होता है उसके कंपोनेंट्स के बारे में, यानी एमएस एक्सेल में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आफ्टर देन टाइप्स ऑफ चार्ट यानी कितने टाइप के चार्ट्स होते हैं एमएस एक्सेल में, उसको हम लर्न करेंगे। देन क्रिएटिंग अ चार्ट दैट मीन्स हाउ कैन यू क्रिएट अ चार्ट इन योर एक्सेल वर्कशीट, यानी एक्सेल वर्कशीट में हम चार्ट कैसे क्रिएट करेंगे, इसके बारे में हम लोग लर्न करेंगे। देन सॉर्टिंग डेटा एंड फिल्टरिंग डेटा, ठीक है।
दैट मीन्स क्या होता है सॉर्टिंग डेटा, दैट मीन्स जैसे कि हमारे पास एक वर्कशीट है, हमें कई सारे डेटा हमें मिले हुए हैं, तो उस डेटा में हमें पर्टिकुलर डेटा को सॉर्ट करना है, यानी जो हमारी नीड के डेटा है, जैसे सपोज दैट वर्कशीट है, तो वर्कशीट में कभी कभी ऐसा होता है कि सारे डेटा हमारे नीड, जैसे हमें कोई वर्क मिला, सपोज दैट कि हमें सम एम्प्लॉइज़ का डेटा हमें सर्च करना है, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो, क्लास 8 है, क्लास 7 है, क्लास 7 में बहुत सारे बच्चे हैं, सपोज दैट कि 60 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, अब हमें 60 स्टूडेंट्स में 10 स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे सॉर्टिंग या सर्चिंग करते हैं या फिल्टरिंग करते हैं, तो शॉर्टिंग जितने डेटा को सॉर्ट करना होगा उस पे हम शॉर्टिंग का ऑप्शन यूज़ करेंगे। फिल्टरिंग का क्या होता है, फिल्टरिंग भी डेटा को क्या करता है, फिल्टर करता है, दैट मीन्स जिस डेटा को आप फिल्टर करना चाहते हो, जितने भी डेटा को आप फिल्टरिंग करना चाहते हो वो आप फिल्टर कर सकते हो। फिल्टर मीन्स नॉर्मली अगर जनरल में हम जाएंगे तो फिल्टर मीन्स होता है छानना, छानना दैट मीन्स क्या होता है कि जैसे आपने चाय बनाया, अब चाय बनाने के बाद आप उसको क्या करते हो, छन्नी से छानते हो, चाय अलग होती है, चाय पत्ती और जो भी अदरक जो भी ऐड किया आपने वो अलग हो जाता है, तो दैट मीन डेटा में क्या होता है यहाँ पे फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है, यानी डेटा में आप जिस डेटा को फिल्टर करना चाहते हो, सपोज दैट सीरियल नंबर 1 to 10 को आप फिल्टर करना चाहते हो तो 1 to 10 ही आपको दिखेगा, बाकी के डेटा क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे, हिडन हो जाएंगे। सपोज 100 डेटा है आपके वर्कशीट में, बट आप देखना चाहते हो, आप उसको 10 डेटा को ही रिट्राइव करना चाहते हो, तो एट अ टाइम दैट टाइम यू सी ओनली 10 डेटास एंड रेस्ट डेटास विल हिडन इन दिस वर्कशीट। ओके, तो हमारे पास इस चैप्टर में जो टॉपिक्स होंगे यानी कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट, टाइप्स ऑफ चार्ट, क्रिएटिंग अ चार्ट, शॉर्टिंग डेटा एंड फिल्टरिंग डेटा, तो हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लेंगे पहला टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट इन एक्सेल। आइए देखते हैं, ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं चार्ट में। तो सबसे पहले हम लोग चार्ट के कंपोनेंट्स जानने से पहले चार्ट के बारे में जानेंगे, चार्ट होता क्या है। तो अ चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी चार्ट क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी डेटा का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट मीन्स क्या होता है कि जैसे अभी हमने आपको बिगनिंग में ही एक डेटाबेस बताया, उस डेटाबेस का आप चार्ट पे क्रिएट करना चाहते हो, तो चार्ट आपको वो डेटाबेस क्या करना पड़ेगा, यानी जैसे डेटाबेस है इसको आपको सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शन फॉलो करके, वो ऑप्शन आगे आपको मैं बताऊंगा कि चार्ट क्रिएट करना होगा, और उसके बाद आपके वर्कशीट पे डेटा यानी चार्ट जो है इस तरह से ग्राफिकल फॉर्म में वहां पे शो होने लगेगा ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से मैं ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे डिफरेंट भी हो सकता है क्योंकि चार्ट्स जो होते हैं कई टाइप्स के होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा टाइप आपने चूज किया है, तो उसके हिसाब से उस टाइप का चार्ट आपको आपके वर्कशीट पे शो होने लगेगा। ओके, चलिए, तो आपने चार्ट जान लिया, अब चार्ट के बाद हम लोग देखेंगे कि चार्ट का जो है कंपोनेंट्स क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स में देर आर 9 कंपोनेंट्स ऑफ द चार्ट। पहला है आपका चार्ट एरिया, फर्स्ट कंपोनेंट है आपका चार्ट एरिया, ठीक है। चार्ट एरिया क्या होता है, अगर आपके पास जिन लोगों के पास बुक्स हैं उसमें आप फिगर नंबर 3.1 पे देखेंगे तो वहाँ पे चार्ट एरिया आपको शो होगा, यानी चार्ट एरिया इंक्लूड्स ऑल द एरिया एंड ऑब्जेक्ट्स इन द चार्ट, यानी चार्ट एरिया इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स ऑल द एरिया एंड ऑब्जेक्ट्स इन द चार्ट, यानी किसी भी चार्ट के जो पूरे एरियाज होते हैं, एरिया दैट मीन जैसे हमने अभी आपको बताया कि ये चार्ट है, ठीक है, अब इसका जो पूरा एरिया है वो क्या कहलाता है, चार्ट एरिया, और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो किसके अंडर में आता है, चार्ट एरिया के अंडर में। चार्ट एरिया के बाद आपका कैटेगरी एक्सिस, तो कैटेगरी एक्सिस क्या होता है, सेकंड कंपोनेंट है आपका कैटेगरी एक्सिस,
तो कैटेगरी एक्सिस में आप देखेंगे, कैटेगरी एक्सिस और एक्स एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ अ चार्ट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है यानी जैसे आप देखते होंगे कि जब मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं तो इस तरह से एक्सिस होते हैं, यानी ये आपका एक्स एक्स डैश, सॉरी ये वर्टिकल होता है, वाई एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश। तो ये जो एक्स एक्सिस है, जब आपका चार्ट बनता है, जब चार्ट क्रिएट होता है तो ऐसे ही एक्सिस पे ही बनता है, ये इस तरह के एक्सिस पे, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स। तो यही जो एक्स एक्सिस यानी जो ये एक्सिस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेगरी एक्सिस। यानी ये जो एक्स एक्सिस होगा ये दिस इज व्हाट, दिस इज कैटेगरी एक्सिस, इसको हम लोग कैटेगरी एक्सिस बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका वैल्यू एक्सिस, यानी थर्ड पॉइंट जो आपका होगा, थर्ड कंपोनेंट वैल्यू एक्सिस। वैल्यू एक्सिस में क्या होता है, यानी ये जो आपका वाई, ये जो हमने आपको बताया वाई एक्सिस, जो वाई वाई डैश है, यानी ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैल्यू एक्सिस। यहाँ पे वैल्यूज हम फीड करते हैं तो ये आपका वैल्यू एक्सिस हो जाएगा। यानी वैल्यू एक्सिस और वाई एक्सिस इज द वर्टिकल एक्सिस यूज टू प्लॉट द वैल्यूज, इट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड, ओके, आफ्टर द डेटा सीरीज। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट कंपोनेंट होगा फोर्थ, वो होगा आपका डेटा सीरीज, डेटा सीरीज। डेटा सीरीज का वर्क क्या होता है, डेटा सीरीज में आप देखोगे, डेटा सीरीज आर द बार्स स्लाइसेस और अदर एलिमेंट्स दैट शो द डेटा वैल्यूज, इफ देयर आर मल्टीपल डेटा सीरीज इन अ चार्ट ईच विल हैव डिफरेंट कलर और स्टाइल। यानी डेटा सीरीज क्या होंगे, जैसे डेटा सीरीज आपका होता है दिस, यहाँ पे ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ये आपकी सीरीज होंगी। तो दीज आर द व्हाट, दीज आर द डेटा सीरीज। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेटाज होते हैं तो डिफरेंट डेटा के टाइप से इसका कलर भी, जैसे आपका इसको हमने येलो कलर से कर दिया, इसको ब्लू से कर दिया, इसको रेड से कर दिया, इसको हमने बैगनी से कर दिया, हाँ इस तरह से हमने अलग अलग, जिससे कि हमारा डेटा जो है वो क्या हो, यूनिक हो जाए, डिफरेंट डिफरेंट हो। जैसे मिक्सअप अगर सेम कलर से होगा तो हम ये पहचान नहीं पाएंगे कि इसकी जो वैल्यूज हैं, जो डेटा सीरीज हैं वो किसके लिए हैं। तो जब हम कलर से डिनोट कर देते हैं तो सपोज दैट जैसे यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, जैसे सपोज दैट कोई ये क्लास सेवेंथ का डेटा है तो ये जो फर्स्ट रैंक है उसका है, ये सेकंड रैंक का है, ये थर्ड का है, ये फोर्थ का है, ये फिफ्थ रैंक का है। तो इस हिसाब से हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स की डिफरेंट रैंक्स डिनोट हो जाएंगी, पता चल जाएंगी। जैसे हमने डिनोट कर दिया येलो कलर से फर्स्ट रैंक का है, ठीक है, फिर ग्रीन कलर से सेकेंड रैंक का है, फिर रेड कलर से थर्ड रैंक है। तो इस तरह से वो हमें डेटा पहचानने में आसानी हो जाती है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज डेटा सीरीज। नेक्स्ट आपका है कैटेगरी नेम, कैटेगरी नेम यानी फिफ्थ कंपोनेंट है कैटेगरी नेम। स्टूडेंट्स कैटेगरी नेम क्या होता है, कैटेगरी नेम्स आर द लेबल्स विच आर डिस्प्लेड ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस। यानी जैसे डेटा का जो सीरीज होता है, जो हमने आपको भी बताया था कि एक्स और एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, तो इसका जो नेम देते हैं यानी अपने चार्ट में, ये जो चार्ट हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे, इसका जो नेम हम देंगे, जैसे इस एक्सिस का जो भी हम नाम देंगे, ठीक है, ए बी सी, और इस एक्सिस का जो भी हम यहाँ पे नेम देंगे, तो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ओके। तो दिस इज कैटेगरी नेम। आफ्टर कैटेगरी नेम दिस सिक्स पॉइंट इज प्लॉट एरिया। अगला जो कंपोनेंट है आपका क्या है, प्लॉट एरिया, सिक्स प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया क्या डिनोट करता है, प्लॉट एरिया मीन्स होता है, प्लॉट एरिया इज अ विंडो विद इन द चार्ट एरिया, इट कंटेन्स द एक्चुअल चार्ट इटसेल्फ एंड इंक्लूड्स प्लॉटेड डेटा, डेटा सीरीज, कैटेगरी एंड वैल्यू एक्सिस। यानी प्लॉट एरिया दैट मीन्स जो चार्ट का पूरा ये पार्ट होता है, ये पूरा आपका प्लॉट एरिया होता है। यानी जैसे हम यहाँ पे डेटा, वैल्यू एक्सिस यानी एक्स एक्सिस, कैटेगरी एक्सिस, डेटास, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं जहाँ पे हम डेटा को प्लॉटिंग करते हैं, डेटा को हम यहाँ पे शो कराते हैं, दीज आर द व्हाट, प्लॉट एरिया। आफ्टर देन प्लॉट एरिया के बाद आपका है लीजेंड, सेवेंथ पॉइंट लीजेंड। अब चार्ट में लीजेंड क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, व्हाट इज लीजेंड। इट डेपिक्ट्स
the colors, patterns or symbols assigned to the data series. It helps to differentiate the data. यानी legend that means होता है, यानी इस जो data series हम देते हैं यहाँ पे chart में, तो data series का जो अलग अलग colors हम उसको provide करते हैं, यानी जो data series को एक दूसरे से क्या करता है, different करता है, अलग करता है, what? वो किसके फीचर्स होता है, लीजेंड के फीचर्स, यानी ये क्या करता है, एक दूसरे के बीच उसको डिफरेंट करता है, उसको अलग बनाता है, एक दूसरे से यूनिक बनाता है, दिस इज लीजेंड. चार्ट टाइटल, अगला जो पॉइंट नंबर 8 है, चार्ट टाइटल, जैसा कि इसका नाम ही है चार्ट टाइटल, दैट मींस चार्ट का टाइटल, यानी जो चार्ट हम क्रिएट कर रहे हैं उसका टाइटल क्या है, उसका बेस क्या है, यानी जो डेटाबेस आपने क्रिएट किया है उसका बेस क्या है, दिस इज व्हाट चार्ट टाइटल. आफ्टर देन लास्ट पॉइंट है, यानी पॉइंट नंबर 9, ग्रिड लाइंस, ठीक है, ग्रिड लाइंस ये कंपोनेंट नंबर 9 और लास्ट कंपोनेंट है इसका. तो दिस कैन आइदर बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस डिपेंडिंग ऑन द सेलेक्टेड चार्ट टाइप. दे एक्सटेंड अक्रॉस द प्लॉट एरिया ऑफ द चार्ट. ग्रिड लाइंस मेक इट इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड द वैल्यूज. तो ग्रिड लाइंस क्या होती हैं, ग्रिड लाइंस यानी पूरे चार्ट में आप देखोगे तो इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइंस होती हैं यहाँ पे, जो आपको चार्ट में होती हैं, ये ग्रिड लाइंस होती हैं, इसको हम लोग ग्रिड लाइंस बोलते हैं, ठीक है. तो यहाँ से कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट का जो टाइटल है, टॉपिक है, वो एंड होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आज हम लोगों ने इस वीडियो क्लास में हम लोगों ने देखा चार्ट क्या होता है, चार्ट की कंपोनेंट्स और उसके वर्क के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है. तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे. तो आज का जो होमवर्क है देख लेते हैं. तो होमवर्क में जो पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ चार्ट. पहला क्वेश्चन है कि चार्ट का क्या यूज होता है. क्वेश्चन टू, एक्सप्लेन चार्ट एरिया, चार्ट एरिया एंड कैटेगरी एक्सिस. क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन लीजेंड एंड ग्रिड लाइंस, ठीक है. तो ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं. व्हाट इज द यूज ऑफ अ चार्ट एंड एक्सप्लेन चार्ट एरिया एंड कैटेगरी एक्सिस एंड एक्सप्लेन लीजेंड एंड ग्रिड लाइंस. ओके, देन डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे. ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू क्लास.